हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है दोस्तों। एक ना पार्टनरशिप फॉर्म में एक कंसेप्ट आता है, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्डेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन नंबर 78 है इससे रिलेटेड, जहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उसके हिस्से के लॉसेस ना तो सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे रिलेटेड सेक्शन नंबर 78 है। और सेक्शन 78 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। यस, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आज शनिवार है, कल इतवार है, कल रक्षाबंधन का दिन है, 22 तारीख है, कल 22 तारीख को अन अकेडमी का एक इवेंट हो रहा है दोपहर 12 बजे, जिसके अंदर कॉम्बैट की सीरीज होने वाली है। बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा कॉम्बैट की सीरीज है। ये जो मेगा कॉम्बैट है, ये CA फाउंडेशन के लिए है। गलती से यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, तो ये CA फाउंडेशन के लिए सीरीज है, जिसके अंदर CA फाउंडेशन के आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 40 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। और जो भी टॉप 200 रैंक होल्डर्स होंगे, उनको अन अकेडमी की तरफ से बड़े हैवी डिस्काउंट दिए जाएंगे। जैसे टॉप 1, 2 और 3 रैंक होल्डर्स को 100% स्कॉलरशिप्स हैं, जिनका रैंक नंबर 4 से 10 तक आता है उनका 75% स्कॉलरशिप है, जिनका 10 रैंक 11 से 50 तक आता है उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, और इस प्रकार से 51 से लेकर 200 वालों के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। तो स्कॉलरशिप्स का बाजार, बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है 22 तारीख को। और साथ साथ में जितने भी टॉप 200 रैंक होल्डर्स हैं, उन सबका एक पूल बना के उन सबको एक चांस दिया जाएगा कि वो कुछ और प्रोडक्ट्स भी जीत सके। जैसे आईपैड मिनी देने का प्लान है अन अकेडमी का, आईपॉड्स देने का प्लान है, JBL के स्पीकर्स देने का प्लान है, और Amazon के वाउचर्स देने का प्लान है। आप भी ये सब कुछ जीत सकते हैं। आपको मेगा कॉम्बैट सीरीज में अपना पार्टिसिपेशन करना होगा। आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए इस सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप इनरोल करें, अभी इनरोल करें, सिर्फ 1 दिन बचा है, आज का दिन बचा है, कल सुबह तो आपका ये होने ही वाला है मेगा। और आप मेरा इन्विटेशन कोड CA जोहर याद की रखिएगा, आप CA जोहर इन्विटेशन कोड को यूज करके इसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं एंड आप प्राइजेस जीत सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बाय द पार्टनरशिप फॉर्म, सेक्शन नंबर 78। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म का अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। पार्टनरशिप फर्म के टैक्स पे करने के बाद जितना पैसा बचेगा, वो पैसा सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पार्टनर्स के लिए वो पैसा एग्जेंट भी हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है, अभी मैंने करवा भी दिया। लेकिन मान लो पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो तो क्या करें? मेरे बेटा, मैंने आपको ये बात लॉसेस वाले चैप्टर में भी लिखवाई थी कि अगर पार्टनरशिप फर्म का लॉस होगा तो वो लॉस, सुन लेना, वो लॉस आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हमारा कंसेप्ट है कि लॉसेस कैन बी सेट ऑफ एंड कैन बी कैरी फॉरवर्डेड ओनली बाय दोज एसएससीज हु हैव सफर्ड सच लॉस। तो जिसने वो लॉस सफर किया है, सिर्फ उसी को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ये बात मैंने आपको बताई। लेकिन अब यहां पे चैलेंज ये है कि पार्टनरशिप फर्म का अगर लॉस हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ पार्टनर ही उसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन नंबर 78। सेक्शन 78 के अंदर एक और एक्स्ट्रा बात भी कही गई है, वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म के अगर लॉसेस हैं तो वो लॉसेस करंट ईयर में सेट ऑफ तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, सुन लेना बात को, अगर आपने उन लॉसेस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने की एक शर्त रहेगी कि जितने भी पार्टनर इस साल हैं, वो सारे पार्टनर अगले साल भी कंटिन्यू करें। अगर ऐसा होता है तो पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, अगर सारे पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे।
मान लीजिए अगर कोई पार्टनर कंटिन्यू नहीं करता, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारी इस भारत सरकार ने सेक्शन 78 में लिखा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस पार्टनर के हिस्से में जितने लॉसेस थे उनका ना तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ऑब्वियसली बात है जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो अगले साल सेटअप भी नहीं करेंगे। करंट ईयर में सेटअप तो हो जाएगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो ये एक बड़ी आसान सी बात, सिंपल सी बात होगी। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखना एक बात का, और वो एक छोटी सी बात और हमारे पास ये है, ये कंसेप्ट लॉसेस के लिए तो है लेकिन ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा किसके लिए, ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चाहे पार्टनर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए तो भी। ये सारी बातें जो मैंने अभी अभी बोली हैं, ये सारी बातें आपको किताब के अंदर लिख के दी हुई हैं। ये पेज नंबर है 784, पेज नंबर 784 पे ये सारी बातें हैं। आइए जरा जल्दी से इसको एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन नंबर 78। Where there is change in the constitution of the firm, अब ये change in the constitution कैसे होगा? कोई partner retire हो जाता है, किसी partner की death हो जाती है, तो there is a change in the constitution. Where there is change in the constitution of the partnership firm on account of death or retirement of the partner, partner की death हो गई या partner retire हो गया, then the firm shall be entitled to carry forward so much of the loss as it is attributable to such partner. तो जितना उस पार्टनर का लॉस होगा, जितना उस पार्टनर के हिस्से का लॉस होगा, उतना लॉस सेटअप भी वो उतना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है जब आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो वो सेटअप भी नहीं होगा। द प्रोविजन कवर्स व्हेन पार्टनर्स गोज आउट ऑफ द फर्म इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, इट डज नॉट कवर द चेंज the case of change in the profit sharing ratio or admission of the partner. Losses which are covered under this section are, examiner ये कह रहा है या law maker section 78 में ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर partners की existing partners की profit sharing ratio change हो गई तो फिर losses का carry forward फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए अगर कोई नया partner admit हो जाता है तो सरकार ने कहा फिर भी losses का carry forward दे देंगे। कैरी फॉरवर्ड कौन से केस में नहीं देंगे? एक केस जहां पे पार्टनर या तो डेथ हो रही है पार्टनर की या फिर पार्टनर रिटायर हो रहा है, और वो भी उसके हिस्से के लॉसेस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बाकी तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन से लॉसेस इस कंसेप्ट में आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आ गया, बिजनेस लॉस आ गया, कैपिटल लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम ओनिंग एन एक्टिविटी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, वो भी आ गया। लेकिन हाँ, जैसे मैंने अभी अभी कहा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को आप कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ कर देंगे इवन इन द केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मैंने आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दो दिए हुए हैं, आओ जरा जल्दी से दोनों एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 677, मैं फुल पेज पे जा रहा हूं ताकि आप आराम से इसको पढ़ सके। इलस्ट्रेशन नंबर 677 ध्यान से पढ़ना क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है 677 पे दैट एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो 1:1:2 आर थ्री पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फॉर द करंट असेसमेंट ईयर द नेट इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज लॉस ऑफ 1,30,000 रुपीज, आउट ऑफ विच अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन इज 40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारे पास है वो है 130 का लॉस, उसके अंदर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 40,000 का। नीचे सॉल्यूशन देखिएगा, आपको लॉस दिया हुआ है 130 का, ओहो सॉरी, आपको लॉस दिया हुआ है 130 का जिसके अंदर
अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 40,000 का, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 40,000 का। इसको जब हमने लेस कर दिया तो लेस करने के बाद हमारे पास लॉस विदाउट डेप्रिसिएशन आ रहा है 90,000 का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है ऑन 30th अप्रैल 2020 मिस्टर जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड अदर पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस। एक पार्टनर है जेड जो रिटायर हो रहा है अप्रैल एंड में। अब आगे मुसीबत, अप्रैल एंड, अगर अप्रैल के स्टार्टिंग में होता फिर तो ज्यादा परेशानी ना होती, लेकिन अप्रैल एंड में रिटायर हो रहा है, दैट मीन्स करंट ईयर में उसने एक महीना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन के काम किया है। तो करंट ईयर की इनकम का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक महीने का। यहां से पढ़ना आगे क्या कहता है, मिस्टर जेड रिटायर्स ऑन 30 अप्रैल एंड अदर पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस, द इनकम ऑफ द करंट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन इज 1,08,000 रुपए। मेरे बेटा ध्यान देना, मैं एक बहुत सिंपल तरीके से अज्यूम कर सकता हूं कि करंट ईयर की इनकम 1,08,000 रुपए है, तो करंट ईयर की इनकम 1,08,000 रुपए 12 महीने की है, मेरे को अप्रैल का एक महीने का निकालना है, तो मैंने 1,08,000 को 12 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एक महीने की इनकम आ गई 9,000 रुपए। मेरे पास एक महीने की इनकम आ गई 9,000 रुपए। इस 9,000 रुपए के अंदर, इस 9,000 रुपए के अंदर Z का हिस्सा कितना है, इस 9,000 के अंदर Z का हिस्सा है हाफ, हाफ इज Z's शेयर, दैट इज 4,500। आप कहेंगे कैसे पता चला, ऊपर देखिए लिखा हुआ 1:1:2, तो Z का हिस्सा 1:1:2, दैट इज आधा हिस्सा Z का है 4,500 रुपए, वो आ गया, याद रखना 4,500 की फिगर। अब आगे की बात सुनेगा, ये जो 90,000 का लॉस था, ये जो 90,000 का लॉस था, इस 90,000 के लॉस के अंदर Z का हिस्सा कितना है, Z का हिस्सा है आधा, जो कि नीचे दिया हुआ है 4,500 रुपए। प्रॉफिट अभी अभी निकाला हम लोगों ने 1,08,000 और 4,500 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,500 रुपए में से ये वाला जो 4,500 रुपए था, मैंने इसमें से आप 4,500 रुपए का एडजस्टमेंट कर लीजिए, जो कि एक महीने का अप्रैल का प्रॉफिट है, अप्रैल के प्रॉफिट का आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, और बाकी बचा हुआ 40,500 रुपए है लॉस। दिस लॉस, ये जो 40,500 का लॉस है, ये लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, और अगर सेट ऑफ नहीं होता तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, उसके हिस्से के लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं होता है। अब आप देख लीजिए यहां पे करंट ईयर की अगर आप कैलकुलेशंस करें, तो करंट ईयर में आपको करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,08,000 रुपए, ब्रॉफ ओवर लॉसेस 90,000 में से 40,500 जो जेड का है वो सेट ऑफ नहीं होगा, दैट मीन्स जो बाकी बचा हुआ पैसा है किस किस का, वाई का और एक्स का, वो सेट ऑफ हो जाएगा, और अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन पूरे का पूरा 40,000 रुपए आप देखिए पूरा लिया हमने, इसके अंदर जेड का हिस्सा नहीं आएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करना अलाउ होता है, और हमारे पास जो नेट इनकम होगी वो पूरी की पूरी नेट इनकम विल बी 18,500 रुपए। मेरे बेटा बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आते इतने मुश्किल पार्ट्स, आपके एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं ये सारी चीजें, मैं फिर भी आपको करवा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, कहीं आपके मन में ऐसा ना हो कि हाँ कुछ करवाया नहीं, तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली मैं आपको ये करवा रहा हूं, बट इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई नो दिस थिंग दैट दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक और इलस्ट्रेशन देखिएगा 678, एक और इलस्ट्रेशन देखिएगा 678, और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है मेसर्स विनीता एंड कंपनी से पार्टनरशिप फॉर्म विद फोर पार्टनर्स ए बी सी एंड डी हैविंग इक्वल शेयर फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स
फ्रॉम द वैलिड रिटर्न फाइल बाय इट। तो एक पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, आपको यहां पे ईमानदारी से बता देता हूं, आज से लगभग 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले ये वाला सेक्शन 78 जो भी मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये सीए के सिलेबस का पार्ट होता था। और सेक्शन 78 जो कि सीए के सिलेबस का पार्ट था आज से कुछ 10 साल पहले, तो उस समय ये क्वेश्चन 678 सीए के एग्जाम में आया था। ये सीए के एग्जाम का क्वेश्चन है 678 नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एग्जामिनर के चार पार्टनर्स है ए बी सी एंड डी और चारों के पास इक्वल का हिस्सा है, इक्वल की हिस्सेदारी है और आपको वो कुछ डाटा दे रहा है। असेसमेंट ईयर 2019-20 दैट मींस पिछले साल का या पिछले से पिछले साल का डाटा है। लॉस दिया हुआ है 1,20,000 का, पिछले साल का लॉस दिया हुआ है 1,90,000 का, पिछले साल का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का, पिछले साल का कैपिटल लॉस दिया हुआ है 1,90,000 और 1,10,000 रुपए का। तो ये सारा डाटा पिछले दो सालों का है। फिर वो कहता है सी हु वाज पार्टनर ड्यूरिंग लास्ट 3 years रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो ईयर के स्टार्टिंग में रिटायर हो गया, अच्छा है ये तो। द समराइज रिजल्ट फॉर द करंट ईयर आर एज फॉलोज, तो इस साल का डाटा आपको गिवन है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का 2,20,000 और नॉन स्पेकुलेशन का 50,000। आप सबको याद है कि आप नॉन स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो, तो 2,20,000 में से आपने 50,000 का लॉस सेटअप किया तो बचा 1,70,000 रुपए। तो 1,70,000 रुपए याद रखिएगा। कैपिटल गेन्स में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 40,000 और लॉन्ग टर्म दिया हुआ है 2,10,000, तो ये टोटल है 2,50,000 का। अब याद रखना कैपिटल गेन्स का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप हो सकता है और कैसे हो नहीं सकता। तो ऊपर ऊपर आपको ये दिया हुआ है 2,90,000 रुपए का लॉस, 2,90,000 का लॉस, और नीचे ये 2,50,000 की इनकम गिवन है। कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के साथ सेटअप होगा। और एक बात को और ध्यान देना, जब आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद लॉसेस सेम हेड में ही सेटअप होंगे, आप किसी दूसरे हेड से उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम सम अदर हेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस का लॉस सिर्फ बिजनेस की इनकम के साथ ही सेटअप होगा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बिजनेस का लॉस भी दो दिए हुए हैं, 120 एंड 190। आपको अच्छे से याद है कि सबसे पुराना लॉस हम लोग सबसे पहले सेटअप करते हैं, तो 120 और 190 में से अगर सेटअप करना होगा तो मैं पहले 120 वाला सेटअप करूंगा, 190 बाद में करूंगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक बात यह है कि जनाब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है जो है सी, तो उसका हिस्सा तो हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि उसके हिस्से के लॉसेस सेटअप नहीं हो सकते। तो आइए जरा उसके हिस्से के लॉसेस कैलकुलेट करें। ध्यान से देखिएगा, एक पार्टनर रिटायर हुआ उसका 25% हिस्सा था, हटा दीजिए तो बाकी जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा। असेसमेंट 1920 का 75%, 2021 का 75%, तो मैंने ले लिया 75% लॉसेस। इसी प्रकार से जो 2021 का कैपिटल गेन है उसका लॉस भी 75% लेंगे। तो सारे 75% कैलकुलेट कर लिए, एक पार्टनर का लॉस हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, कंसिडर नहीं किया, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप हमेशा फुल लेंगे क्योंकि सेक्शन 78 लॉसेस का है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का नहीं है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम लोग पूरा लेंगे। अब आप देखिए आपने काम कैसे करना है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद लॉस सेम हेड के साथ सेटअप होगा और कैसे नहीं होगा। लेकिन आपने पहले करंट ईयर का लॉस सेटअप कर दिया, उसके बाद आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेटअप कर दिए, आपकी इनकम आ गई जीरो।
और जो पुराना लॉस है वो पहले सेटअप होगा, इस वजह से 1920 का लॉस पहले सेटअप किया, 2021 का लॉस बाद में सेटअप किया। कैपिटल गेन्स में भी ऐसे ही है, कैपिटल गेन्स में भी 40 साल का शॉर्ट टर्म है उसको अलग रखा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के साथ ही सेटअप हो सकता है, तो हमने लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप किया, ऑटर कॉल में आया जीरो। बाकी बच गया हमारे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आप सबको अच्छे से याद है, करवाया था मैंने आपको, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट टू इनकम्स, वन इज योर सैलरी इनकम एंड अदर वन इज योर कैजुअल इनकम। यहां पे हमारे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी से भी सेटअप किया और मैंने उसको बाकी अदर सोर्सेज की इनकम से भी सेटअप कर दिया, वहां से भी मैंने सेटअप कर दिया, तो उसकी वजह से अब हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है वो आप देख लीजिएगा, और कितने के लॉसेस हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आप देख लीजिए, कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो और अनअब्सॉर्ब्ड बिजनेस का लॉस है वो, ये दो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आपने कर दी है। यहां पे जाके पार्टनरशिप फॉर्म का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया। याद रखिएगा,